नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। दुनिया भर में फैले कोरोना से निपटने के लिए अभी तक कोई भी दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई। हालांकि कुछ देश ऐसे जरूर हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन फाइनल स्टेज में है और बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। लेकिन जब तक कोरोना का कोई इलाज नहीं आता, तब तक प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में तो दो दो प्लाज्मा बैंक भी खोले गए। वही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने तो ये दावा किया कि प्लाज्मा का 100% रिजल्ट देखने को मिल रहा है। प्लाज्मा थेरेपी का हमने शुरू किया, यहाँ पे 47 लोगों को अब तक प्लाज्मा थेरेपी दी गई। हमको ICMR ने जयपुर में ट्रायल की परमिशन दी, हालांकि हमने जोधपुर के लिए भी मांगी थी, कोटा के लिए भी मांगी थी और भी जगह के लिए मांगी, लेकिन सिर्फ हमको जयपुर के लिए ट्रायल की परमिशन मिली। 47 लोग जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, उनका ब्लड लेके उनकी प्लाज्मा थेरेपी, जो सीरियस कंडीशन में लोग थे, 5 तो इनमें से वेंटिलेटर पे थे और अधिकांश कोमॉर्बिडिटी, गंभीर बीमारियों से ग्रसित पॉजिटिव केसेस थे, इसका रिजल्ट 100% रहा है। आज हमने निर्णय लिया है कि राजस्थान में एक डाटा बैंक तैयार किया जाए, जितने लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनकी पूरा डाटा बनाया जाए, उनके मोबाइल नंबर लिए जाएं और उनको प्रयास किए जाएं कि वो अपनी सहमति प्रदान करें कि वो हमको अपना रक्त दें, ताकि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम मृत्यु दर को और कम कर सकें। अभी 20 लोगों ने अपनी कंसेंट दी है और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंट लेने की कोशिश की जाएगी।